ये स्नेक बन गया भाई। ओके मीना। मैं ओची। नो यू आर ओची। जब आप बड़ी हो जाओगी ना, मम्मा जितनी बड़ी हो जाएगी फिर आप बनाया करना ओची, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाजिर हो गए हम लोग एक नए व्लॉग के साथ। तो जी दिन का आगाज़ हो गया और नमाज वगैरह पढ़ के मैं सो गई थी। उसके बाद फिर मैं उठी और नाश्ता वगैरह बनाया। निकाश साहब के लिए पराठा बनाया और मिन्हा के लिए भी मैंने छोटा सा जो है पराठा ही उसको आज दिया अपने लिए, जो मेरा कुछ ख़ास खाने का दिल नहीं था। और वैसे भी मैं थोड़ा सा जो है ना अपनी जो मैंने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अब कभी कभी पराठा भी खा लेती हूँ, ये नहीं कि नहीं खाती, पर यह है कि कोशिश करती हूँ कि पराठा कम से कम खाऊं। तो मैंने आज अपने लिए सिर्फ दो बॉयल एग्स ले लिए थे और जो है ना चाय के साथ, फीकी चाय के साथ मैंने दो बॉयल एग ले लिए। उसके बाद नाश्ते से फ्री हुई तो मेरे पार्सल्स आ गए, जिसमें मेरे चिया सीड्स जो हैं बिल्कुल एंड हो गया था। तो मैंने पहले मैं इनका बड़े वाला पाउच मंगवाती थी, वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो मैंने जो है ना इस बार ये छोटे जो दो जार्स थे ना ये ऑर्डर कर लिए। इनकी चिया सीड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये भी मैंने दरअसल से सारी चीज़ें ऑर्डर की थी और जो है ना डेली जो है मैं ये ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद जी सेकंड पार्सल जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये मैंने जी किचन टॉवल्स ऑर्डर किए थे मेरे तकरीबन पूरा एक साल पहले। मैं जब एक साल से भी बल्कि ज़्यादा हो गया, जब मैं इस घर में शिफ्ट होने के बाद जो है मैंने इस तरह का एक सेट ऑर्डर किया था, जो कि अभी तक मेरे चल रहे हैं। लास्ट दो जो थे वो अब मैंने लगाए हुए थे। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक होता है, ठीक है, माइक्रोफाइबर ये कपड़ा होता है। और किचन की शेल्फ्स वगैरह या स्टोव वगैरह क्लीन करनी होती है ना, तो बहुत परफेक्ट तरीके से और इनकी लाइफ भी अच्छी होती है। तो ये मैंने दोबारा से भी एक ऑर्डर कर लिया। पूरा साल मेरा इनके साथ बहुत अच्छे से जो है ना गुजर गया था। उसके बाद जो ये वाले कपड़ा है ना, घर में जितने भी हमारे डाइनिंग टेबल है या शीशे वाले टेबल्स हैं या फेस मिरर्स होते हैं क्लीन करने के लिए, ये जब मैं अपने पुराने घर होती थी ना, दो साल पहले की बात है, तब मैंने ये ऑर्डर किए थे। तो तब से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इतनी बेहतरीन क्वालिटी की हैं, अब तक चल रहे हैं। अब जो है ना एक किसका जो है गुम हो गया था, दो निकाश साहब उठा के अपनी गाड़ी में ले गए और एक अभी बचा था। तो फिर मैंने जो है ना चार और ऑर्डर किए, ताकि मैं अलग सब वॉशरूम्स में ना एक एक रख देती होती हूँ, ताकि जैसे वो फेस मिरर हमारे होते हैं, फेस वॉश किया उसी वक्त वो जैसे ही शीशा ख़राब होता है तो मैं फ़ौरन जो है ना साथ ही उसको क्लीन कर देती हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें जो है ना, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किए। इनकी भी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और जितने भी आपके घर में ग्लास वगैरह होते हैं ना, सारे अच्छे से क्लीन कर देते हैं। उसके बाद मैंने शामी कबाब बनाने थे, उसके लिए निकाश साहब जो है ना बीफ उन्होंने भिजवा दिया, तो मैंने सारा बीफ वॉश कर लिया। इसके अंदर कुछ जो है कढ़ाई कट था और कुछ जो था उसके लिए शामी के लिए बोनलेस था, तो बस फिर वो मैंने जो है ना बोनलेस जो है वो बिल्कुल अलहदा कर लिया, और जो कढ़ाई कट था वो उसको मैंने जो है ना अलहदा से वॉश करके इस तरह से पैकेट्स में डाल के रख लिया। मेरे पास 1 kg वाले पैकेट्स इस टाइम जो है ना ख़त्म हुए हुए थे, तो ये 2 kg वाले पैकेट्स पड़े हुए थे, तो फिर मैंने ना इन्हीं में डाल दिया। डालकर अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ ना, तो फिर बहुत आसान होता है। उसके बाद गोश्त बॉयल होने के लिए रख दिया। ये कुछ खड़े मसाले ले लिए थे सारे साबुत, इस तरह करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मसाले ज़्यादा थे तो मैंने इस तरह से जो है ना कपड़े का एक पीस ले लिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसको पहले मैंने वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था। उसके अंदर सारे जो है ना मसाले मैंने डाल दिए हैं और इसको अच्छे से इसको बांध लूँगी टाइट करके, बिल्कुल टाइट भी नहीं करना, हल्का सा लूज़ रखना है, ताकि पानी अच्छे से मसालों के अंदर सारा चला जाए और मसालों का जो अर्क है अच्छे से निकल आए। तो बस इस तरह पोटली बनाकर मैंने इसके अंदर रख दिया। प्रेशर कुकर जो है उसमें जो है ना पूरा नहीं आना था, क्योंकि इस बार जो है गोश्त ज़्यादा था, तो फिर इसलिए मैंने ना पतीली में रख दिया। मैंने कहा जब तक मैं मिन्हा को नहलाकर फ्री वगैरह होंगी ना, तब तक ये भी आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो जाएगा। तो बस फिर मिन्हा के कपड़े वगैरह निकाले, क्योंकि आज मैंने इसका इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए शूट वगैरह करना था। और जी शूट करके हम लोग आ चुके थे यहाँ पर, आइसक्रीम की लालच दे दे कर इसको शूट करवाना पड़ता है। और वापस आते ही मतलब कि जैसे शूट कंप्लीट होता है ना, तो पहले बोलती है मम्मा आइसक्रीम, तो जी फिर बाद में मामा को फिर आइसक्रीम देनी पड़ती है। बस लालचें दे दे के ना अब इसको करवाना पड़ता है, अब जो है ना बहुत तंग करती है। तो खैर इसको आइसक्रीम वगैरह खिला के मिन्हा को इस पॉइंट पे मैंने सुला दिया था। सुलाने के बाद जो है कीमा जो पानी सारा मैंने खुश कर लिया था उसकी भुनाई करके, और इसको अच्छे से वो कुंडी और डंडे के अंदर डाल के ना मैं इस तरह से रेशा रेशा बना लेती हूँ। मुझे दरअसल ना ये रेशे वाले कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे घर में यही बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो इस तरह से एक एक बाल उसका अलग हो गया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है
मसाले ले लिए हैं, जिसमें गरम मसाला था, दरला मिर्च थे, ज़ीरा पाउडर था और धनिया पाउडर था। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ लिए हैं। प्याज यहाँ पर मैंने 4 लिए थे, बारीक चॉप किया और उनका पानी अच्छे से निचोड़ के सारा पानी आप लोगों ने निकाल देना है। बिल्कुल प्याज खुश करके डालने हैं तो फिर भी ना शामी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें ले ली हैं, वो भी मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दी हैं। हरा धनिया और पुदीना खूब सारा, ये मैंने कल ही काट के रख लिया था तो ये भी मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद शान का ये जो शामी कबाब वाला मसाला है, ये वाली एक पूरा साशे इसके अंदर जो है ना मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से मैंने मिक्स करके कवर करके रख दिया। मैंने कहा नकाश साहब आएंगे तो साथ उनको लगा के बनवाऊँगी, क्योंकि अकेले बंदे का बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए फिर नकाश साहब दोपहर लंच का टाइम आए, मैंने कहा भाई खानी आसान है, साथ बनवाए, मैं अकेले कितनी देर लगी रहूँ। तो फिर उन्होंने हेल्प की और हम दोनों ने मिलकर ना जल्दी से सारे जो है ना शामी बना कर मैंने फिर उसको स्टोर करने के लिए रख दिया फ्रीज़र में। सैलड काट लिया जिसके अंदर खीरे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह सारी चीज़ें मैंने ऐड करती हैं, क्योंकि लंच में हम लोगों ने खाने थे जी समोसे। तो समोसे खाने के लिए मैं रायता भी घर ही धनिया पुदीने का तैयार करती होती हूँ और साथ में इस तरह से ना ये सैलड बना लेती हूँ। इमली की चटनी मैंने पहले बना के फ्रीज़र में हर टाइम पड़ी होती है। तो ये जी समोसे भी हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी से समोसे आ गए थे। इस तरह समोसे खा के देखिएगा आप लोग, इस तरह समोसे खाने का तो मज़ा ही अलग है ना। सिर्फ रायते के साथ तो समोसा बतना खाता है, सिर्फ फिर साथ में इमली वाली चटनी, सलाद और रायता होना तो फिर आए है। अच्छा जी, मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली थी और ये मैं मिन्हा का समोसा खाने का स्टाइल आप लोगों को दिखा रही हूँ। प्लेट हम जी पूरी बनवाते हैं मुकाबले में, जो जो चीज़ें आप खुद खा रहे हैं ना हमें भी डाल के दें। इमली वाली चटनी इसको मैं नहीं देती क्योंकि मुझे होता है कि इसका गला ना ख़राब हो जाए। तो अब रायता, हमने समोसा थोड़ा सा भी नहीं खाया और हमने रायता 4 बार ले लिया एक समोसे के साथ। बस फिर काम वगैरह सारे ख़त्म किए, उसके बाद मैंने कहा चले जी अब थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हैं, ज़रा अच्छी सी फीलिंग आए उसके लिए। फिर मैंने जो है मुँह वगैरह अच्छे से वॉश किया और मॉइस्चराइज़र लगा लिया। उसके बाद अच्छा, मैं ना वैसे डेली बेसिस घर में मॉइस्चराइज़र के बाद हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेती थी, फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती डेली बेसिस पे। हाँ कोई अच्छा, जिस दिन बहुत ज़्यादा ड्रेस पहनूँ या जिस दिन मुझे दिल कर रहा हो उस दिन मैं हल्की फुल्की बेस बना लेती हूँ। अदरवाइज़ जो है वैसे मुझे क्योंकि क्लोज कॉमिडॉन्स का इशू हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फिर मुझे ना मेकअप बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती। तो ये है कि बस हल्का फुल्का जो है तैयार शैर हो जाती हूँ। ये वाली ना एक्यू कॉस्मेटिक की ब्लश स्टिक है, बहुत अच्छी है, लाइक इतनी पिगमेंटेड है। आप पाउडर ब्लश लगाएं वो थोड़ा सा जल्दी जो है ना ख़त्म हो जाती हैं, ये क्रीम ब्लशेस जो है ना इनकी लाइफ होती है। तो बस फिर मैंने हल्का सा कॉन्ट्रोल लगाया और परफ्यूम वगैरह लगाया, तैयार शैर होकर नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद फिर शाम के खाने की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि 2 बैंगन पड़े हुए थे, आलू थे नहीं और थोड़ी सी भिंडियाँ थी। अब मुझे समझ ना आए, पहले मैंने कहा बैंगन का ना भरता सा बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा यार भिंडियाँ पड़ी हुई ना सूखने लग गई थी, काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी ये, मतलब कि 2-3 दिन ही गुजर गए थे इनको ला के रखे हुए, बिल्कुल थोड़ी सी थी। नकाश एक पाव लेके आए तो मैंने कहा अब एक पाव का मैं क्या ही बनाऊँ, मुझे था कि इसमें चिकन वगैरह डाल के बनाऊँगी। तो फिर मुझे दिल था कि चिकन वगैरह गोश्त वगैरह को दिल नहीं कर रहा था, मैं चाह रही थी कि कोई सब्ज़ियाँ ही हो। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो दोनों को मिक्स करके कुछ बनाती हूँ। अच्छा मैंने तो लगाया ऐसे जुगाड़, पर ये इतने मज़े के बने थे ना, आउट क्लास बने थे। प्याज हल्का सा ब्राउन किया, उसमें बैंगन डाल दिए, बैंगनों को मैंने अच्छी से भुनाई की जब तक कि वो बिल्कुल जो है ना नरम नहीं हो गए, नरम हुए तो साथ ही मैंने इसमें लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें सारा कुछ डाल दिया और इसकी खूब सी भुनाई की अनटिल इसको तब तक जब तक बिल्कुल ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो गए और अच्छे से जो है ना मतलब कि वो बिल्कुल इस तरह का फॉर्म में नहीं आ गए ना, तब तक भुनाई की। जब इस फॉर्म में आ गए तो मैंने इसमें डाल दिया दही। दही डालने के बाद मज़ीद मैंने इसकी भुनाई की, ऑयल आने तक। ऑयल आया तो साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दी फिर भिंडियाँ।
अच्छा मैंने जब बनाया निकाश साहब हंसने लगे कि एक ही किता, पर जब खाया ना तो फिर वाह 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 करते रह गए। ये वाकई बहुत मज़े का बना था, इतना मुझे कोई यकीन आ रहा था। मैंने कहा मैंने तो कहा आप दोनों सब्ज़ियाँ वेस्ट हो रही हैं, चलो इन दोनों का ही मिला के कुछ बना देती हूँ। चलें जी आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।